हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। तो गाइस, हमने अपनी वीडियो लिस्ट में एक न्यू वीडियो इंट्रोड्यूस की है प्लेलिस्ट में, बेसिकली जिसमें हम हिंदू की वोकैबुलरी एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है ये कॉमन होने वाले है यूपीएससी ईपीएफओ एंड एसएससी सीजीएल के लिए, बिकॉज जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बेसिकली कॉमन ही होते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली अच्छे पोस्ट के लिए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। तो इंग्लिश जो है वो हमारे दोनों एग्जाम्स के लिए काम आने वाली है, तो हम इसको साथ में कवर करेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी इंग्लिश का, जिससे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आप किस लेवल तक अपने प्रिपरेशन कर चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो बना सकें। दिस इज़ जस्ट अ डेमो वीडियो फॉर यू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो हम वर्ड डिस्कस करेंगे ये बेसिकली द हिंदू से रिलेटेड है। द हिंदू में न्यूज़ आ रखी है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज। तो जो 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड आया था, ये जो आप रेड लाइन में देख रहे हैं, रेड बॉक्स में देख रहे हैं, तो इसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ है द स्टे द कोर्ट सेड मे एसवेज द हर्ट फीलिंग्स ऑफ द फार्मर। तो देखिए, ये जो ESSUAGE लिखा है इसको हम प्रोनाउंस करेंगे एसवेज की तरह, और इसका क्या मीनिंग है ये अब हम देखते हैं। तो देखिए, एसवेज को अगर हम एक स्पेसिफिक वर्ड करें तो इसका मतलब होता है टू काम डाउन। तो यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे, फिगर मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है कि वो आपके माइंड में एकदम सेटअप हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सोसेज है वो किसी भी पर्सन को क्या कर रहा है, एसवेज कर रहा है, मतलब काम डाउन कर रहा है एक मसाज देके। तो इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है इन फार्म लॉज के ऊपर, तो इससे जो फार्मर्स है वो थोड़ा काम डाउन हो जाएंगे। तो ये तो हो गया मीनिंग की टू काम इज मीनिंग ऑफ एसवेज, और ये आप देख सकते हैं कि लेट मी एसवेज यू एंड येस एसवेज मी, ठीक है। इसके अलावा जो है अब कौन सा जो है अलग वर्ड आ सकता है जिसको हम एसवेज की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो अगर हम एसवेज के और मीनिंग्स देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट मीनिंग आपका हो सकता है रिलीव्ड, सॉरी, या फिर इंटरचेंजेबल वर्ड जो है वो रिलीव्ड हो सकता है, सुदृढ़ होना चाहिए, एलेड होना चाहिए, पैलिएटेड, ईस्ट, मिटिगेटेड, एलिविएटेड, सॉफ्टन, एपीस्ट एंड एनेस्थाइज। तो इसमें से अगर आपको 3-4 वर्ड्स भी याद होते हैं तो आप इस तरीके से फिगर जो आपके सामने होगी उसे आप मेमोराइज कर सकेंगे कि आपने क्या पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे न्यूज़ आई थी कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है उन्होंने 1000 वैक्सीनेशन साइट्स जो है उनको टारगेट कर दिया है। तो इसमें एक स्पेसिफिकली वर्ड आया था, ये वर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए है, पहली बात तो ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है तो वो एस्पेक्ट से ये इंपॉर्टेंट हो गया कि कोरोना से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर एक साइंटिफिक वर्ड आ रहा है, डेट इज़ इनोक्यूलेशन। तो साइंटिफिक टर्म्स से भी ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि हमारा साइंस भी अच्छा खासा यूपीएससी ईपीएफओ में आता है, और उसी के साथ जो है ये आपका इंग्लिश प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो इनोक्यूलेशन को अगर हम देखते हैं तो देखिए, अगर हम किसी भी चीज को, बेसिकली हम किसी एजेंट को अगर हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर ये एक मीडियम होता है जिसमें कि बैक्टीरिया जो है उनको प्रोलिफरेट किया जाता है, मतलब कि बढ़ाया जाता है। तो अगर हम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दूसरी चीज़ के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर या किसी मीडियम के अंदर, उसको हम इनोक्यूलेशन कहते हैं। तो इनोक्यूलेशन का बेसिक एक चीज़ क्या आप याद रखेंगे कि इंट्रोड्यूस एन इन्फेक्टिव एजेंट इन टू एन ऑर्गेनिज्म। तो अब हम देख लेते हैं कि इनोक्यूलेशन, अगर हमें वर्ड याद नहीं हो रहा है या उसके सिमिलर वर्ड्स हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो याद रखेंगे। तो इनोक्यूलेशन के जो इंटरचेंजेबल वर्ड्स है उसमें सबसे पहले आता है वैक्सीनेशन, दिस इज कॉमन, जो कि हमारे न्यूज़पेपर में भी डेली आता है। उसके बाद इंजेक्शन हो गया, या फिर इंजेक्शन जो है वो नहीं लेना होता तो कई बार कहते हैं ना मम्मी पापा की चलो आपको एक शॉट लगवाए जाते हैं, तो दिस इज शॉट। इम्यूनाइजेशन होना, किसी को इम्यूनाइज हो जाना किसी भी बीमारी से, बूस्टर डोज भी कहा जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो स्टार्टिंग में वैक्सीनेशंस लगा करती थी उसमें जो पहली और दूसरी डोज हुआ करती थी वो इनोक्यूलेशन हुआ करता था, और उसके बाद में बूस्टर डोज लगा करती थी ताकि वो जो इन्फेक्टिव एजेंट है वो बॉडी के अंदर रहे और आगे भी बीमारी ना हो, इसको हम वैक्सीन भी कह सकते हैं।
इसको हम जैप भी बोल सकते हैं, ग्राफ्ट, ग्राफ्टिंग या प्रिवेंशन भी कह सकते हैं. तो दे ऑल आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स फॉर इनोक्यूलेशन. नेक्स्ट देखते हैं, तो एक न्यूज़ आई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं शरद ए बोबड़े, उन्होंने कहा है कि फिजिकल हियरिंग्स जो कोर्ट में एक साल से बंद है उसको हम दोबारा रिज्यूम नहीं करेंगे. इन्होंने कहा कि इट इज़ डेंजरस टू गेट अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल इन कोर्ट्स. तो कॉन्ग्रीगेशन यहाँ पे वर्ड है जो हम अपने एग्जाम के लिए पढ़ेंगे. तो कॉन्ग्रीगेशन का एक सिंपल सा वर्ड होता है असेंबलेज और ग्रुप ऑफ पीपल. तो एक जगह जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसको हम कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं. तो एन असेंबलेज ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स कलेक्टेड टुगेदर. तो इसको आप याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि मैम ने बताया था कि कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है लोगों का इकट्ठा होना. टीवी में जब हम देखते हैं कोई कोर्ट सीन तो दिखाते हैं ना कि पूरा कोर्ट जो है वो भरा हुआ होता है, तो वहाँ पे लोग इकट्ठे हो रखे हैं, तो कोर्ट से रिलेटेड है. तो कॉन्ग्रीगेशन वर्ड आप इस तरीके से याद कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं कि कॉन्ग्रीगेशन जो है उससे रिलेटेड इंटरचेंजेबल वर्ड्स हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं. तो असेंबली जो हुआ करती थी हमारी, सुबह मॉर्निंग प्रेयर हुआ करती थी स्कूल में, तो उसमें भी ये होता था कि सारे स्टूडेंट्स जो थे वो असेंबल हो जाया करते थे, तो उसको हम क्या कहते थे, असेंबली कहते थे, डैट इज ग्रुप ऑफ पीपल. या फिर गैदरिंग, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि एक फैमिली गैदरिंग है, एक फ्रेंड्स की गैदरिंग है जिसमें हम जा रहे हैं. फ्लोक जो होता है मतलब कि जो झुंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोक कहते हैं. असेंबलेज हो गया क्राउड मतलब भीड़ हो जाना. मीटिंग में बहुत सारे लोग होते हैं तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल मतलब कि मीटिंग मतलब कॉन्ग्रीगेशन. थ्रोंग हो जाना, कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होता है. पैरिश होना या फिर ग्रुप होना, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये कॉन्ग्रीगेशन में आते हैं. ये तो हो गए वर्ड्स की बात, अब हम कुछ इडियम एंड फ्रेसिस को डिस्कस करेंगे. तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे इडियम है हमारे पास वो है बीट अराउंड द बुश. तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कैसे समझाती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड था, ठीक है. यहाँ पे एक बुश थी, तो आपके पेरेंट्स ने, आपके मम्मी पापा ने कहा कि ये जो बुश है इसके आसपास जो है जितना भी वेस्ट मटेरियल लगा हुआ है इसको रफ ऑफ कराओ या फिर ख़त्म कराओ. बट आप जाके कभी यहाँ थोड़ी कटिंग कर रहे हैं, कभी यहाँ थोड़ी कटिंग कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स आके कह रहे हैं कि आपको जो काम यहां पे अलॉट किया था तो आप यहां जाके काम क्यों कर रहे हैं. तो इस चीज को आप कैसे रिलेट करेंगी कि आपको एक टॉपिक दिया था, आपने उस टॉपिक पे बात करने की बजाय इधर उधर के फालतू फैक्ट्स बताने लग गए. तो ये क्या हो गया, बीट अराउंड द बिश मतलब कि टू स्पीक और राइट इवेजिवली टू टॉक अराउंड एन इशू, मतलब कि एक इशू पे बात ना करके इधर उधर की बात करना जो होता है उसको बीट अराउंड द बुश कहते हैं. तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, प्लीज़ डोंट बीट अराउंड द बुश, जस्ट लेट मी नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू प्लीज़. तो कोई आपको क्या कहेगा कि आप बीट अराउंड द बुश मत कीजिए, आप मुझे एग्जैक्टली बताइए कि करना क्या है. तो इससे ये फ्रेज आपको क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं ब्रेक अ लैग. तो आपने देखा होगा कि कभी आपके फ्रेंड का एग्जाम होता है, आप उनको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं तो वो आपको कहते हैं नहीं यार बेस्ट ऑफ लक विश मत कर, मेरे लिए ना फिर पेपर बुरा हो जाता है. तो यहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक नया फ्रेज बनाया गया था, डेट इज़ ब्रेक अ लैग. तो विशिंग समवन गुड लक, तो आगे जब आपका फ्रेंड पेपर देने जाए तो उसको गुड लक नहीं कहना, कहना ब्रेक अ लैग. तो इसका एग्जाम्पल आप कैसे कहेंगे, इट्स टाइम फॉर द एग्जाम, ब्रेक अ लैग एवरी वन. तो विशिंग समवन गुड लक. नेक्स्ट देखते हैं बाइट द बुलेट. तो देखिए यहाँ पे आप कैसे देखेंगे कि बुलेट क्या होती है, बहुत टफ होती है, बहुत हार्ड मटेरियल से बनी होती है. तो क्या आपके लिए आसान होगा उसको चबाना, गाजर का हलवा नहीं है ना कि सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, मज़े आ रहे हैं खाने में. तो बाइट द बुलेट मतलब कि कोई एक ऐसी चीज़ करना जो हमारे लिए डिफ़िकल्ट है या फिर अनप्लेजेंट है. तो डू और एक्सेप्ट समथिंग डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट उसका हम क्या बोलेंगे, बाइट द बुलेट. तो इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे, ये आप मेरे से रिलेट कर सकते हैं कि हाँ मैम ने पढ़ाया था, मैम डेंटिस्ट और मैम ने बताया था कि बाइट द बुलेट होना है. तो आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट बट आई सपोज आई विल जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट. तो मेरे को डेंटिस्ट के पास जाना पसंद नहीं है बट पढ़ाती हुई हैं तो उनके पास जाना पड़ता है इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो डैट इज़ बाइट द बुलेट. नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट देखते हैं इसमें, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी तो उसको आप ट्राई करेंगे. एड फ्यूल टू द फायर, ये आपका हिंदी का जो मुहावरा है उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है कि जिसमें कहते हैं कि आग में घी डालना, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स मतलब किसी एक बुरी सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर देना. तो इसका एग्जांपल क्या आएगा, शाउटिंग एट अ क्राइंग चाइल्ड जस्ट एड्स फ्यूल टू द फायर. तो अगर आप किसी रोते हुए बच्चे के ऊपर चिल्लाते हैं तो वो आप
उसको फ्यूल टू द फायर ऐड कर रहे हैं, मतलब कि उसको और ज़्यादा रुला रहे हैं। तो अभी तक हमने जो है फ्रेसिस और वर्ड्स करे। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अब आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो दिस इज क्वेश्चन टाइम। तो आपको जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, आ डाइम आ डजन। तो ये जो मुहावरा है, ये जो ईडियम है, इसका आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। जो सबसे पहले आंसर देगा कल मैं उसका नाम अनाउंस करूंगी और साथ ही साथ मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये जस्ट अ डेमो वीडियो है, तो इसके बाद मैं आगे इसको कंटिन्यू या नहीं करूं तो